आगे बढ़ते हैं और मैनेजमेंट को भी शामिल कर लेते हैं हमारे साथ कॉर्पोरेट रडार में। आज जेबीएम ऑटो शामिल होगा, लेकिन मैनेजमेंट पर जाने से पहले एक बार जान लेते हैं कि इस बार ऑटो सेक्टर की जो बजट से उम्मीदें हैं वो क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये सेक्टर, और इस पर और ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत बताइए। जी बिल्कुल, बहुत उम्मीदें हैं खैर ऑटो सेक्टर की, लेकिन अंतरिम बजट में कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट नहीं देखी थी हमने ऑटो इंडस्ट्री को रिगार्डिंग। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जरूर अनाउंस हुए थे, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं थे, पर मांगे बहुत ज़्यादा हैं। एक तो स्क्रैपेज पॉलिसी को बढ़ावा देना होगा। हमने हाल फिलहाल में खबर भी यही सुनी कि दस दिन के अंदर अंदर कुछ बड़ी खबर स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर आ जाएगी, लेकिन 15 साल पुरानी गाड़ियों के बदले अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके लिए इंसेंटिवाइज करना होगा। अब ये चाहे टैक्स रिबेट के लिए हो या फिर फाइनेंस सब्सिडी के तौर पर यहाँ पर इंसेंटिव मिले, लेकिन पुरानी गाड़ियों के बदले नई गाड़ी खरीदने पर या फिर स्क्रैपेज पॉलिसी को बढ़ावा सरकार देना चाहती है, तो उसके लिए बजट में कुछ मेजर अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा पैसेंजर कारों के लिए मल्टीपल टैक्स रेट हैं इस समय, और सबसे बड़ा तो टू व्हीलर्स पे जो 28% से घटकर 18% के बार बार जीएसटी बात कर रहे थे कि होगा, इस बार जीएसटी काउंसिल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हल्का सा भी संकेत अगर बजट में मिल गया तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में टू व्हीलर्स को लेकर कोई भी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आई थी टैक्स स्लैब को लेकर। कमर्शियल व्हीकल्स के इंपोर्टेड सीबीयूज जो हैं कंप्लीट बिजनेस यूनिट्स, उनके कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 40% करने की मांग है, और साथ साथ कार और टू व्हीलर्स पर जो कस्टम ड्यूटी है उसमें किसी भी तरीके से कोई भी बदलाव नहीं किए जाने की अपील इस समय ऑटो इंडस्ट्री कर रही है। फिलहाल ये बता दूं कि टू व्हीलर्स पर लगभग 50 से 100% कस्टम ड्यूटी लगती है, इसको ज्यों के त्यों रखा जाए ऐसा इंडस्ट्री मान रही है, और ऊपर से R&D अगर होता है तो उसमें वेटेड डिडक्शन 150% से बढ़ाकर 200% करने की अपील की जा रही है। अंतरिम बजट पे इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं थी, और आखिर में जो सबसे बड़ा इस समय फोकस पॉइंट है ऑटो इंडस्ट्री का, ये जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है, पहले BS6 आया और अब ई व्हीकल्स आने की बात हो रही है, तो ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्स इंसेंटिव की मांग, ई व्हीकल्स यूनिट लगाने पर इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की मांग इसमें ऑटो इंडस्ट्री कर रही है, और यही एक ऐसा मुद्दा है जो इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में छाया हुआ था, जिसमें ई चार्जर्स जो थे उसमें जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% करने की बात कही गई, और जो ई व्हीकल्स थे उसका प्रस्ताव रखा गया कि उसमें 12% से घटाकर 5% कर दिया जाए जीएसटी स्लैब को, और इसके लिए एक फिटमेंट कमेटी को ये अभी फैसला सुनाना बाकी है, लेकिन अभी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला जरूर आता हुआ नजर आएगा। तो बजट में ई व्हीकल्स पे फोकस होगा, लेकिन देखिए मुझे यहाँ पर दिक्कत यही है कि जैसे ही ये जीएसटी काउंसिल बैठक खत्म हुई थी तो उसके बाद ये जो नीति आयोग और ऑटो इंडस्ट्री के बीच में ई व्हीकल्स को लेकर ठन गई कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर रोड मैप मांग रहे हैं ई व्हीकल्स किस तरीके से लॉन्च करेगी ऑटो इंडस्ट्री, और ऑटो इंडस्ट्री इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो हमने अलग अलग इंडस्ट्री लीडर्स से बिल्कुल इसके अपोज में यहाँ पर कई टिप्पणियाँ सुनी हैं। अब देखते हैं कि ई व्हीकल्स को लेकर, क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी BS6 पर लगभग 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, तो ई व्हीकल्स के लिए अभी तो फिलहाल इतनी जल्दी क्लैरिटी आना बहुत मुश्किल लग रहा है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल, ये किस तरह का मतभेद था रजत, बिकॉज ई व्हीकल को लेकर सरकार का तो काफी ज्यादा फोकस चल रहा है, नीति आयोग भी इस चीज को पुश कर रही है, लेकिन ऑटो सेक्टर कहीं ना कहीं तैयार नहीं है, तो ये मतभेद किस बात को है, और क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में इसको नीति आयोग जो ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड आ रही है उसको कहीं ना कहीं कंसिडर करेगा? देखिए साफ तौर पे जो नीति आयोग है वो ये मानता है कि टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स के लिए आपको रोड मैप जल्द से जल्द देना होगा। सिर्फ 15 दिनों का समय दिया गया था कि आप ये रोड मैप ला के दें, लेकिन इंडस्ट्री कह रही है इंडस्ट्रीज में मुश्किल हालात में है, ईवीज के लिए इतनी जल्दी रोड मैप आ नहीं सकता, और 60 से 70 हज़ार करोड़ ऑलरेडी वो BS6 ट्रांजेक्शन पर खर्च कर चुके हैं, तो इतनी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट अगर और करनी पड़ी तो बहुत बड़ा बोझ आता हुआ नजर आएगा। नीति आयोग कह रहा है कि 2023 तक आपको थ्री व्हीलर्स को पूरा इलेक्ट्रीफाई कर देना होगा, 2025 तक जो 150 cc की जो इंजन वाले जो सेगमेंट्स होते हैं टू व्हीलर्स होते हैं उसको आपको इलेक्ट्रीफाई करना पड़ेगा, लेकिन इंटरनल कम्बशन इंजन अगर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है तो ऑटो इंडस्ट्री कह रहा है कि इससे ऑलरेडी यहाँ पर जो इन्वेंट्री है उसको बेचने में मुश्किल आएगी, और साथ ही साथ ये बिल्कुल भी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये कहीं ना कहीं ड्रैग हो सकता है पूरे। ऊपर से ये हवाला दिया जा रहा है कि इससे ना सब्सिडी बोझ बहुत ज़्यादा घटेगा सरकार का अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हो गए तो। ऑटो इंडस्ट्री कह रही है कि लिथियम आयन बैटरीज का इंपोर्ट बढ़ जाएगा, तो उसके चलते फिर से सब्सिडी सरकार को देनी पड़ेगी, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, तो सरकार नलीफाई हो जाएगा कुछ भी अगर इंपोर्ट बिल्कुल, तो सरकार के ऊपर भी बोझ यहां पर बढ़ सकता है। ये कुछ ऐसा पॉइंट है जो ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से भी रखा जा रहा है, और नीति आयोग भी अपने कुछ पॉइंट्स रख रहा है, देखना होगा इसको लेकर किस तरह के फैसले आते हैं दोनों ही जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच। शुक्रिया रजत ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और ऑटो इंडस्ट्रीज के लीडर्स का क्या कहना है इस पर जान लेते हैं, और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का बजट से उम्मीदें।
और इस खास सीरीज में आज हम फोकस करेंगे ऑटो इंडस्ट्री पर और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेबीएम ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निशांत आर्या। पहले तो कंपनी के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। देखिए, जेबीएम ग्रुप की कंपनी है और ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली है, देश की सबसे बड़ी कंपनी। और इनका जो एक्सपोजर है वो भी यूरोप में काफ़ी ज़्यादा है। सोलारस ये बस बनाती है और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है वहाँ पर। करीब करीब 1800 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है इस वक्त कंपनी का। तो देश की बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपनी हमारे साथ जुड़ चुकी है बजट पर और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो यही सवाल होगा, इस बार जो बजट है, अब 7 दिन रह गए हैं बजट आने में, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है बड़ी क्लियरली कि आज के दिन जो जीएसटी 28% है वो 18% कैसे कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज उससे इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, इन टर्म्स ऑफ द कंप्लीट स्ट्रक्चर विच स्पेशली एमएसएमई कंपनीज हैं या लार्ज कॉरपोरेट्स हैं, सबको इम्पैक्ट हो रहा है, तो दे विल बी क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस। सिमिलरली जैसे कंपनियों ने काफ़ी BS6 में इन्वेस्टमेंट किया है और आगे EV में करना है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्स रिबेट्स और दूसरी सब्सिडीज और इंसेंटिव्स क्या हो सकते हैं। थर्डली, ऑटो सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि एक EVs के लिए प्रायोरिटी लेंडिंग का पर्सपेक्टिव लाना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ रही है, BS6 की वजह से हम लोगों की व्हीकल कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो एंड कस्टमर के लिए कैसे हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का पर्सपेक्टिव ला सकते हैं, जहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट को हम लोग ऑप्टिमाइज़ करें, फंडिंग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करें, और क्योंकि व्हीकल कॉस्ट बढ़ेगी ताकि वो सेट ऑफ हो जाए एंड कस्टमर के लिए, अदरवाइज द एंड कस्टमर वुड लाइक टू डेफर द सेल विच विल बी इम्पैक्टिंग दी ऑटोमोटिव सेक्टर। एंड आज के दिन ऑटोमोटिव सेक्टर इज गिविंग 50% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग GDP, which is about 7.5% of the national GDP, since the manufacturing GDP is about 15%. And that is contributing $300 billion, which will be going up to $1 trillion in the next few years when the economy is going up to $5 trillion. So, उसके लिए काफ़ी investment होना है, चाहे वो EV में होगा, चाहे वो नई technologies में होगा. So, such companies need to get incentivized. Infrastructure needs to be provided. What programs we have with respect to Skill India, Digital India, they need to be focused. So industry focused, sector focused perspective needs to be brought in, because automotive sector is not only giving jobs within automotive sector, but there are many indirect sectors also which are providing such jobs. So how are we equipping ourselves with such kind of infrastructure and the whole ecosystem? That is going to be very crucial, which will be a defining moment for the industry at large. ओके, लेकिन निशांत, अभी जिस तरह से सरकार का फोकस चल रहा है ईवी सेगमेंट में, और आप भी इस सेक्टर को लेकर बात कर रहे थे, नीति आयोग ये मांग कर रहा है कि जितनी भी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो अगले 2 हफ्ते में इसका जो रोड मैप है वो तैयार करके दे। तो ऐसे में, क्योंकि आपने अभी अभी बात की कि अभी अभी आपने BS6 काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है उस स्पेस में भी, अब अगर ईवी के लिए भी अगर आपको रोड मैप तैयार करना पड़े और जल्द से जल्द उसकी तैयारी करने की बात की जा रही है, तो कितना बोझ आएगा इस प्लान की वजह से इंडस्ट्री पर? नहीं, डेफिनेटली इंडस्ट्री पे जैसे हम लोग देखते हैं अबाउट 60,000 to 70,000 crores का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ने किया है BS6 के लिए, और लगभग इतना ही इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एज अ OEM हमारा फोकस जो है वो बसेज में है, एंड उसमें हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिशन काफ़ी फास्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक बसेज में आने वाले टाइम्स में। अलग अलग कंट्रीज में, जैसे हमने चाइना में देखा है कि मोर देन 2 लाख व्हीकल्स हैव बीन सोल्ड इन इलेक्ट्रिक बसेज, और वही इंडिया में आएगा, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक आम आदमी इस्तेमाल करता है, और एक आम आदमी को कैसे हम एक सेफ, कंफर्टेबल एंड ग्रीन प्रोडक्ट दे सकते हैं, हमारा फोकस वो है। इसीलिए आज से 2-3 साल पहले ही हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करना शुरू कर दिया था, एंड JBM ऑटो एज अ कंपनी इज़ वेरी वेल इक्विप्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, विद द टेक्नोलॉजी नो हाउ एंड एबिलिटी टू इन्वेस्ट एंड ग्रो इन द इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट। जहाँ पे हम बात करते हैं ऑटो कंपोनेंट्स की इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, तो वहाँ पे देखना ज़रूरी होगा कि हाउ इज़ द इंडस्ट्री रिस्पॉन्डिंग, हाउ इज़ द मार्केट ग्रोइंग, एंड एज द मार्केट ग्रोज एंड एज द इंडस्ट्री रिस्पॉन्ड्स, वी विल बी अप फॉर डूइंग एंड केटरिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। एंड यहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे हैं प्रोवाइडिंग कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम, वेयर वी टॉक अबाउट व्हीकल चार्जिंग टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी एंड द कंप्लीट ऑपरेशंस सपोर्ट। जी, तो निशान जी, इसी पर अगला सवाल होगा कि आपको लग रहा है कि अभी फिलहाल इंडिया
पूरी तरीके से रेडी है इस सिस्टम को अपनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज, इसके अलावा भी काफ़ी सारे इश्यूज, इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सब्सिडी का बोझ बढ़ने की बात की जा रही है और इंडस्ट्री इस वक्त रेडी नहीं है, वो 2 महीने का समय मांग रही है, लेकिन ऑटो सेक्टर का मानना है कि उनको एटलीस्ट 4 महीने का समय या उससे ऊपर का समय दिया जाए पूरे प्लान को और इस पर विचार करने के लिए। आपका उस पर क्या टेक होगा? नहीं, डेफिनेटली टू गिव अ डिटेल्ड रिपोर्ट, डिटेल्ड प्लान विद एक्शंस एंड एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी को अगर हमें पट अक्रॉस करना है तो उसके लिए इंडस्ट्री को थोड़ा टाइम तो जरूर चाहिएगा ही, ताकि दे आर वेल प्रिपेयर्ड। अब जैसे गवर्नमेंट ने 2017 में 3 साल का टाइम दिया इंडस्ट्री को फॉर डूइंग यूरो 6, जबकि उसमें सिर्फ फ्यूल चेंज था एंड दूसरे चेंज ओवर्स थे, जो कि बाकी कंट्रीज ने यूरोप में 10 से 15 ईयर्स का टाइमलाइन मिला फॉर ब्रिंगिंग डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ यूरो 6। इंडिया ने वही 3 साल में किया, तो डेफिनेटली वी हैव बीन एबल टू टेक अ लीप फॉरवर्ड। बट ईवी इज अ टोटली न्यू टेक्नोलॉजी, इससे सप्लाई चेन पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा और दूसरी चीज़ें भी इकोसिस्टम में दिखनी पड़ेगी। लेंडिंग इज अ चैलेंज, तो कंपनीज हु आर इन्वेस्टिंग दे विल हैव टू सी दैट हाउ आर दे गोइंग टू इन्वेस्ट एंड वॉट इज द लॉन्ग टर्म रोड मैप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि आज के दिन वो वॉल्यूम की क्लैरिटी नहीं है। तो एक ट्रांजिशन पीरियड डिफाइन करना चाहिए गवर्नमेंट को कि एक ट्रांजिशन पीरियड में कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑन ईयर बेसिस थिंग्स कैन प्रोसीड फर्दर एंड हाउ कंपनीज कैन फॉलो द ट्रांजिशन पीरियड वॉट एवर कैन बी म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट जॉइंटली। ओके, तो एज अ कंपनी अगर हम देखें तो JBM ऑटो रेडी है इस चीज़ के लिए, इस ट्रांजिशन के लिए, लेकिन अगर इंडस्ट्री के हालात की बात करेंगे तो अभी भी थोड़ा समय चाहिए पूरे रोड मैप को तैयार करके देने के लिए। निशांत, अगला सवाल मेरा ओवरऑल ऑटो सेक्टर को लेकर होगा। इस वक्त आपको डिमांड सिनेरियो कैसा दिखाई दे रहा है, कि अभी भी आप स्लो डाउन देख रहे हैं और आने वाले समय में इसमें इम्प्रूवमेंट की अगर बात करें तो कब तक रिवाइवल देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मॉनसून भी अब लेट हो चुका है और ऐसे में ऑटो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डरी हुई है कि आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है डिमांड के, ऑटो इंडस्ट्री के डिमांड पर। आपका इस पर क्या कहना होगा? नहीं, देखिए जैसे सेकेंड हाफ H2 ऑफ FY19 में डेफिनेटली ऑटो इंडस्ट्री गॉट सीवियरली इम्पैक्टेड एंड सिमिलरली बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच, बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट्स, H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू बी सीवियरली इम्पैक्टेड। पीपल आर होपिंग दैट विद द फेस्टिव सीजन एंड सम प्री बाइंग विच कैन हैपन because BS6 will be implemented, which will again be a major change from April 2020, the second half of the year should be better than the first half, but will we be achieving the desired level of growth in the coming times, wo itna certain nahi hai, but definitely agle 2 mahine mein wo clarity kafi aa jayegi, budget se kafi sari cheezein clear ho jayengi ki wo industry ko wo growth इम्पेचुअस मिलता है, वो ग्रोथ परस्पेक्टिव मिलता है जिसके बेस पे वो ग्रो आगे कर सकते हैं, एंड वेदर वी कैन एंटिसिपेट दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच वी विल नीड टू मेक फॉर द ईवी, फॉर द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड द न्यू फ्रेमवर्क्स विद द रेगुलेटरी नॉर्म्स गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग अबाउट। ओके, चलिए निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए अपना और विस्तार से इस पर चर्चा करने के लिए कि बजट की इंडस्ट्री से क्या उम्मीदें हैं। तो ये थे निशांत आर्या, कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिटेल में बात करते हुए। उनका यही कहना है कि JBM ऑटो एज ए कंपनी अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से तैयार है इस ट्रांजिशन के लिए और ईवी में जिस तरह से फोकस चल रहा है, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री की कुछ डिमांड है जिस पर कि सरकार का फोकस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर और ब्रेक के बाद JBM ऑटो को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर चर्चा करेंगे।